नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पार्सल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIBE पेपर था, बट ये जो पेपर था इस पेपर में आपको बुक लेके आना था। अब बाकी चीजें मैं सर से बात करूंगा, सर बताएंगे आपको कि इस पेपर में बुक लेके क्यों आना था और किस चीज का पेपर था। सर ये किस चीज का पेपर था? AIBE का पेपर था। अच्छा, बार एग्जामिनेशन का, ये लॉ से रिलेटेड एग्जाम होते हैं। अच्छा सर, एग्जाम के बारे में चूंकि हम लोग भी नहीं जानते उतना ज्यादा और व्यूवर्स भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि हम लोग जितने भी पेपर देते हैं वहाँ पे हम लोग बस जाना रहता है, इवन पेंट तक अलाउ नहीं रहता कहीं कहीं पे, और यहाँ पे किताबें हैं, तो आप बताएंगे इस पर डिटेल में कि क्या है। आउटर लॉ होता है। अच्छा, लॉ ये बात ठीक है, लॉ आपका 5 years के बाद होता है और आफ्टर रजिस्ट्रेशन होता है जो CUP का होता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अच्छा, जिसे आप एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस अगर कोर्ट में करना है तो आपको CUP नंबर आपके पास होना चाहिए। अच्छा अच्छा, वो एग्जाम AIBE कंडक्ट करवाता है। अच्छा, और उसी का पेपर था जिसमें बेयर एक्ट मतलब अलाउ है ले जाना। अच्छा, ये बियर एक्ट एक पार्टिकुलर किताब का नाम है, बियर एक्ट इसको बोलते हैं। नहीं है, अच्छा किताब नहीं है, जो लॉ पास होता है बस उसी का वो है, समरी टाइप का है। और आप इसको, अच्छा ये जैसे संसद में पास होता है ये, सेम वैसे ही हम लोग को मिल जाता है पढ़ने। अच्छा अच्छा, तो बुक में इसका डिटेल होता है, इसमें केवल बस लॉ का वो लिखा होता है। अच्छा सर, भाई तभी माफ चाहूंगा, मैं आपका नाम नहीं पूछा, अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम त्रिपाठी। अच्छा, गंगेश त्रिपाठी जी से बात करें, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, बड़ा अच्छा प्लेस है, अभी तो इंटरनेशनल व्यू बन रहा है उस एरिया का। अच्छा सर, बताइएगा थोड़ा सा कि ये पेपर कितने घंटे का रहा? और ये 3 घंटे का पेपर, 3 घंटे का पेपर, 100 क्वेश्चन थे, मल्टीपल MCQ टाइप। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है आपको कि अगर हम लोग पढ़ के जाएं, क्योंकि किताबें खोलने बंद करने में टाइम भी तो लॉस हो सकता है, बहुत ज्यादा टाइम लॉस होता है, लेकिन अगर आप पढ़े हुए हैं, पढ़ के लॉ किए हैं, तभी आप इसका उपयोग कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे, खोल के आप लिख पाएंगे, नहीं तो ये नहीं, तो बस नहीं, मतलब ये किताबें वही यूज कर सकता है जो ऑलरेडी पढ़ के गया हो, क्योंकि उसको पता रहेगा इजीली। बहुत ज्यादा लेके गए थे, मैं भी देखा कि कुछ लोग तो झोले में भर के ले आए थे, झोले में भर के लाए थे, वीडियो नहीं शूट कर पाया लेकिन झोले में, तभी तो मैं इस ग्राउंड रिपोर्टिंग में शूट करने लगा कि सरप्राइजिंग था, अभी मैंने ऐसा देखा नहीं था। अच्छा, बाकी आप बहुत मोस्ट मतलब सुप्रीम सीनियर है हम लोग के भी और व्यूवर्स के भी, और कहीं ना कहीं आप अभी सक्सेस भी हो जाएंगे अपने जीवन में, अपने लाइफ में, तो व्यूवर्स जो है सर, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे कि क्या लॉ के एरिया में आके अपना कैरियर अपॉर्चुनिटी जो बनाना चाहते हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बहुत ब्राइट कैरियर अपॉर्चुनिटी है लॉ के फील्ड में, बस आपको पढ़ के करना पड़ेगा। अगर बिना पढ़े आप करेंगे तो ये फील्ड आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पढ़ना होता है, बिना नॉलेज का आप डिबेट कर ही नहीं पाएंगे, नहीं होता, बिना हार्डवर्क के नहीं होता, हार्डवर्क के नहीं होता। सो गाइस, आप सभी का आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये जान के, और हाँ तो बुक्स दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है दिखा दीजिए, देख लीजिए, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भैया से सर से जरूर इंस्पायर हों, और आप भी ऐसे इतना सोचो कि इस एज में भी एक पढ़ने की जो चाहत हो, भाई हम लोग तो चलो ठीक है अभी स्टडी कर रहे हैं, UGPG कर रहे हैं, लेकिन सर कंप्लीटेड है, अपने लॉ कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, अब ये वकालत करना चाहते हैं, उसके लिए अपने कोर्स में अभी भी लगे हुए हैं, तो ये इंस्पिरेशन हमारे लिए भाई कि हम लोग को सीखना चाहिए, कि हमें इस एज में भी अपनी स्टडी कंटिन्यू रखना चाहिए और लाइफ में हमेशा कुछ अच्छा करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।